ये कट कर देना, या नहीं आना चाहिए, समझा? हेलो हेलो, गलत फोन उठा लिया। हेलो सर, रेडी हो जाइए, 15 मिनट में आपकी इंटरव्यू केटीवी न्यूज के साथ है। अबे तू पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह कौन इंटरव्यू लेता है? सब सो रहे हैं, तुझे अलग खुजली हो रही है इंटरव्यू लेने की? हाँ नहीं सर, एक्चुअली वो न्यूज चैनल वालों ने फोर्स किया, सुबह पहला कवरेज आपके साथ ही होगा। अच्छा ठीक है, भेज, मैं रेडी होता हूँ। अरे दक, सुबह सुबह इंटरव्यू लेने आया है। ए मच्छर, कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ अच्छा लग रहा हूँ, ज्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ आज। हाँ बोल। हेलो सर, वो लोग आ गए, अंदर भेज दो। भेज, जल्दी भेज, मेरे ही कमरे में भेज। आज नाना देगा इंटरव्यू। आ रहे हैं वो लोग नाना का इंटरव्यू लेने। मैं हूँ नाना, मैं हूँ नट सम्राट, मैं हूँ अथेलो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना बड़ा इंटरव्यू मेरा, कहीं कुछ भूल तो नहीं? अरे हाँ, पेन लेना था, पर पेन लिया तो मैं परमल में लगूंगी, और आज तो नाना जी के साथ इंटरव्यू। मैं वो बैठ। गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या क्या गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इंटरव्यू लेने आ गई तू? हाँ, एक तो रात को मच्छर मुझे सोने नहीं देता है, और सुबह तुम लोग आ जाते हो इंटरव्यू लेने। तुझे पता है साला एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है? खिचड़ा बना देता है। एक्चुअली सर, आपके इंटरव्यू के बाद हमें ये कैमरा शादी विवाह समारोह में भेजना है वीडियोग्राफी के लिए, इसलिए इतनी सुबह इंटरव्यू कर रहे हैं। वाह 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 वाह, मतलब इसके बाद तुम जाओगे शादी में, जाओगे फुकड़ का खाना खाओगे? हाँ मेरी कोई परवाह नहीं, आज जियो या मरू मेरी कोई परवाह नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जाओ 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 जाओ। पर एक बात याद रखना, शादी करने के बाद पति की हालत कैसी हो जाती पता है? देश के वफादार कुत्ते की जैसी, जिसके गले में पट्टा होता है और गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, समझा? सर शादी तो हमने भी 3 की है सर। वाह 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 वाह, इसको देखो, अखरोट की जैसी शक्ल है और 3-3 शादी करके बैठा है। यहाँ पे साला एक एक शादी नहीं हो रही और 3-3 करके बैठा है। वाह वाह वाह, ये है देश का आवाम, बस पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। अच्छा है सर, इससे मेरी कोई गलती है ही नहीं, शादी होती है मेरी तीनों बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब उन लोग में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तेरे में है। जा डॉक्टर के पास जा और कंसल्ट करा, सब ठीक हो जाएगा। कवरेज ले लें तो क्या मेरा मुंह देखने आई हो? फटाफट शुरू करो, कवरेज लो, क्या पूछना चाहते हो पूछो, फटाफट पूछो। अच्छा सुनो, कैमरा मेरी तरफ करो और राइट एंगल से फोकस करना, ठीक है? वाह 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 वाह, तू खुद का इंटरव्यू लेने आई है या मेरा इंटरव्यू लेने आई है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुझे पता है तू मेरे घर पे आई है इंटरव्यू लेने के लिए, 13,000 रुपया रेंट भरता हूँ और खुद के लेकर ही है, कैमरा इधर करो उधर करो, पगला गई है क्या? अरे नहीं सर, आपके इंटरव्यू से पहले जो पर्सनल इंट्रोडक्शन रहते ना वो देने वाली हूँ। तो ऐसा बोल ना, फुकड़ में चिल्लाने लगा मुझे। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू केटीवी, इंडियाज नंबर 1 न्यूज चैनल। आज हम ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठे थे जो कई सालों से हम सबको कई किरदारों में दिखाई दे रहे हैं, जनता का प्यार जीत रहे हैं, एंड दैट इज वन एंड ओनली नाना पाटेकर। मैं 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 कट कर, क्या हो गया, इतनी क्या इमरजेंसी आ गई तुम्हें? वो ना एक्चुअली मुझे जोर से लगी है। ए तू पागल हो गया है क्या? मेरे घर पे नदिया बहेगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। सो एक काम कर, मेरी गाड़ी की चाबी ले, खुद के घर पे जा और नदिया बहा के आ, मेरे घर पे नहीं करने दूंगा, 13,000 रुपया रेंट भरता हूँ, समझा? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम इंटरव्यू आगे बढ़ाएं? तुझे बड़ा शौक है हाँ कवरेज लेने का, तो लेना फटाफट कुछ सवाल। इट्स ओके मैम, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। अरे काय का कंट्रोल करेगा यार तू, ये बीच में आएगा डिस्टर्ब करेगा, कट 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 करेगा, और ये बीच में बोलेगा मुझे सुसु जाना है सुसु जाना है, अरे भाई ऐसा इंटरव्यू नहीं देता हूँ। सर I'm so sorry. अब आपकी परमिशन हो तो इंटरव्यू आगे बढ़ाएं? हाँ तो बढ़ाओ ना, मुंह देखने आई हो क्या मेरा, चल शुरू कर। तो वेलकम बैक, हम बैठे हैं नाना पाटेकर जी के साथ। सर
आप पर पहला आरोप है, जनता जानना चाहती है कि आप फिल्मों में इतना चिल्लाते क्यों हैं, वो भी बेवजह। कौन है ये लोग, कहाँ से आ जाते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं? क्या मतलब सर? अरे मैं समझ गया, अंधेरे में रहने की आदत हो गई है तुम लोगों को। ऊपर वाला भी देखता होगा तो सोचता होगा मैंने सबसे अच्छी चीज बनाई थी मीडिया, नीचे देखा तो कीड़े पैदा हो गए। पगला गए हो क्या तुम लोग? मुझे नहीं देना इंटरव्यू, बस तुम्हें टीआरपी चाहिए, टीआरपी। मैं जा रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मैं जा रहा हूँ। अरे किधर जा रहे सर? इंटरव्यू चल रहा है, वो भी लाइव, सब देख रहे हैं। क्या बात कर रही हूँ, लाइव देख रहे? कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर, थोड़ा तो ज्यादा हो ही गया मेरा। अरे कट कर देना। एक्चुअली क्या है कि मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ तो गुस्सा हो जाता हूँ। सॉरी। सर ये कट नहीं हो सकता, एक्चुअली न्यूज लाइव एयर जा रही है। बस आप इतना बता दीजिए जो जनता जानना चाहती है, आप पर जो आरोप लगा है वो क्लियर कर दीजिए। कौन सा आरोप, कैसा आरोप? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सर हम तो बस जनता की आवाज है, आप बस प्लीज कंटिन्यू ना। अरे यार जल्दी इंटरव्यू खत्म करो यार, मुझे बहुत जोर से लगी है, आप लोगों ने मुझे करने भी नहीं दिया। अरे सुन मुन्ना, एक बार इंटरव्यू खत्म हो जाने दे, मैं तुझे खुद आऊंगा पकड़ के कराऊंगा। ए मेरा मतलब हाथ पकड़ के कराऊंगा, समझा? ए ये कट कर देना, ये नहीं आना चाहिए, समझा? सर आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, आप इस जनता को क्लियर कर दीजिए ना कि आप पे जो आरोप लगा है। कौन सा सवाल है, मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मैं अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे पहुंच जाता हूँ, उसके बाद में दूसरे की बीवी बर्तन लेके भागती है, तब मैं अपने घर पे आता हूँ। अच्छा ठीक है नाना जी, आप बस हमारी जनता को ये बता दीजिए कि आप फिल्मों में इतना अक्सर क्यों चिल्लाते हैं, वो भी बेवजह। मैं बेवजह क्यों चिल्लाता हूँ? इसकी भी एक लंबी कहानी है, तो सुन ध्यान से। एक बार मैं प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, बाजू में धर्मेंद्र का बेटा सनी बैठा था। मैंने उससे पूछा कि तू जब चिल्लाता है तो थिएटर क्यों हिल जाता है, तो सनी ने मुझे बताया, देखो नाना भाई मैं इसलिए चिल्लाता हूँ, प्रोड्यूसर मुझे ज्यादा पैसे देता है। वो देख के मैं इतना खुश हो गया तो मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं जब रोमांस करता हूँ तभी भी चिल्लाता हूँ, हीरोइन भाग जाते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पैसे कमाता हूँ, अच्छा है। अब हमारी जनता का दूसरा आरोप ये है कि आप गोलगप्पे खाते टाइम पानी नहीं शराब का इस्तेमाल करते, वो भी देसी। ए, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो उस गोलगप्पे वाले को पैसा भी देता हूँ साइड में जाके, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, कैसे तुम्हें पता चला? हा? अरे नहीं नहीं सर, उसमें नहीं, हमें हमारे सूत्रों से पता चला ये बात। कौन है ये सूत्र वाले? हा? मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। जी बिल्कुल, वड़ा पाव खाना चाहता हूँ, नाश्ता करना चाहता हूँ, चला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना ही देता है। सर मुझे पता था कि आपको मच्छर बहुत काटता है, इसीलिए मैं अगरबत्ती लेकर आया हूँ सर साथ में। आप ठीक है सर? अरे ठीक की बात नहीं है वो, क्या मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ ना तो डायलॉग रिपीट करता हूँ, एक मच्छर आदमी को हीरा बना देता है। हमारा इंटरव्यू ऐसे ही जारी रहेगा नाना पाटेकर जी के साथ। अरे काय का जारी रहेगा, मुझे और भी काम है घर पे, एक तो सुबह सुबह आ गई है, मुझे झाड़ू करना है, कटका लगाना है, मकड़ी के जाले साफ करना है, समझी? चलो फुटो उठो उठो यहाँ से। ओ नो, मैंने तो गैस पे दूध चढ़ाया था, मैंने गैस ऐसे ही छोड़ा है, मुझे जाना होगा सर। वाह 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 वाह, देखो मेरे देश का युद्ध, मेरा वाह, गैस चालू रख के आ गए, दूध रख के भूल गए। और सुन अभी तू जाएगी घर पे, वो दूध जो है ना पापड़ी बन गई होगी, पापड़ी वही खाना, वैसे तू खा खा के इतनी मोटी हो गई है, वेट लॉस कर थोड़ा, समझी? सर वो पापड़ी तो खाने में टेस्टी भी लगेगा। और तुझे टेस्टी लग रही है? हा? ए चले फोटे बंद कर, चले इंटरव्यू बंद कर, चल निकल। मैडम थोड़ा रुको ना, मेरे पास घर जाने के लिए ऑटो तक के पैसे भी नहीं है। अरे फिर तो और जल्दी निकल, मेरे पास भी नहीं है। नीचे एक्चुअली ड्राइवर होगा ना पिंटो, उसके साथ निकल पड़े, वरना इस अदालत में फंसे रह जाएंगे। चल चल चल। अरे क्या बैठे रहेंगे, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, उठो और निकलो यहाँ से, चलो फूटो। सर संडे को मिलते हैं, इंटरव्यू थोड़ा बाकी है अभी। पगला गए हो क्या, दिमाग में भूसा भरा है क्या मेरे, कब से देख रहा हूँ चिल्लाते जा रहा हूँ, फूटो फूटो फूटो, बंद कर कैमरा बंद कर, चल मुझे सुसु लगी है।